शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। आप गिर कैसे गई? यहाँ हो क्या रहा है? अपने यहाँ पे गिर गई, शायद मेरा पैर फिसल गया। मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। अभय बैठिए ना, खाना खा लीजिए। आप सब लोग, खाना ठंडा हो रहा है, प्लीज बैठिए ना। चलो तो मैं जाऊँ। ये खीर में इतना पानी पानी क्यों है? अब वो अभय, मैं सबके लिए पानी निकाल रही थी ना, तो गलती से मेरे हाथ से गिर गया। किचन में और खीर है, मैं भी लेके आती हूँ। कीर्ति बेटा, गम मत मानना, पर अभी 40 दिन भी पूरे नहीं हुए ना, और एक विधवा, मेरा मतलब है तुम्हें अभी ये मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए। रुक जा कीर्ति, हमें जाने दीजिए, हमें नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? मैंने कहा ना बैठ। आंटी जी, ऐसी दकियानूसी बातों को इस घर में हम बढ़ावा नहीं देते हैं। हम सब एक समान हैं और वैसे ही रहते हैं। बेटा बुरा मत मानो, वैसे मैं भी इन बातों को नहीं मानती। हमेशा से अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए ना, तो मैंने भी वही बात सामने रख दी। बड़े बुजुर्गों ने कभी भी हम बच्चों को ऐसे भूखा नहीं रहने दिया है। प्यार के इस नाटक से दूसरे का दिल जीत सकती है, पर जो हमसे छीना वो कभी लौटा नहीं सकती। तो अब जब तक आपकी खुशियाँ, ताकत, सुख, चैन सब आपसे छीन न ले, तब तक हम भी रुकेंगे नहीं। मम्मी जी रुकिए प्लीज, मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ, और उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। श्रद्धा, तुम हमसे माफी तो मत ही मांगो। हमें हमारे बेटे से अलग करने पे तुली हुई हो तुम, और तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? और किसने? मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको अभय से कभी दूर करना नहीं चाहूंगी। हम नहीं जानते हैं श्रद्धा कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती हो, पर एक बात हम बहुत अच्छे से समझ गए आज। काश तुम हमारे बेटे की जिंदगी में आई ही नहीं होती। श्रद्धा, ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? उसकी मदद करने के चक्कर में तुम तनुजा भाभी की नफरत को भोगत रही हो। मैं जानती हूँ मम्मी जी इस वक्त मुझसे नाराज हैं, मगर मुझे ये भी पता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा ना, वो दिल से नहीं कहा है, और मैं उन्हें मना लूंगी। कल मम्मी जी का जन्मदिन है, और हम उनका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। आप देखिएगा, उनके मूड को ठीक कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो, हम पहले की तरह सरप्राइज वाला बर्थडे प्लान करते हैं। हाँ,
वैसे भी इन दिनों इस घर में इतने तनाव बढ़ गए हैं, शायद इसी वजह से सब लोग घर में एक बार फिर से खुश होने की कोशिश तो करेंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मना किया था ना हमने तुम्हें कि तुम अपने गंदे हाथों से हमारे बेटे को खीर नहीं खिलाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बात माननी ही नहीं है। वैसे तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो, कि तुम हमसे अच्छी माँ हो? मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये तो बस तुम चुप रहो। तुम्हें घर को धर्मशाला बनाना है ना, तो एक काम करो, तुम इन्हें ले जाओ अपने मायके, पर ये यहाँ नहीं रहेंगी। भाभी, क्या हो गया है आपको? कहाँ की बात आप कहाँ जोड़ रही है? ऋतु, आप तो बीच में बोलिए ही मत। वैसे भी आपको श्रद्धा की गलती कहाँ दिखती है? और आप क्या जानेंगी कि माँ के दिल पे क्या बीत रही है? क्योंकि आप माँ तो नहीं है। अगर खुद की औलाद होती ना, तब आप समझती। बस मम्मी, क्या बोल रही है बुआ जी को? अभय प्लीज, बीच में कुछ भी मत बोलिए। क्यों, तुम खुद संभालोगी? देखा मैंने तुम्हारा संभालता है। प्यार से बात करके, अच्छे से बात करके इनके समझ में कुछ आया? सबसे ज्यादा गुस्सा करती हूँ इनके लिए, इनका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। बस कभी भी किसी माँ से इस तरह से बात मत करना, और खास तौर से उस माँ से जिसने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया हो, अपने कलेजे का टुकड़ा बनाकर पाला हो, भले ही उसने तुम्हें पैदा ना किया हो, पर वो माँ है ना। मानना पड़ेगा आपको दीदी, दाद देनी पड़ेगी आपके सब्र की। जितना आप करती हैं उतना ही आप सुनती हैं, और फिर भी आप नहीं सुधरती। आपकी बेवकूफी की सजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। देखिए ना, एक माँ का साथ देने के चक्कर में आपने बेचारी दूसरी माँ का दिल तोड़ दिया, और बेचारा बेटा हैरान परेशान हो गया, और इन सब चक्कर में ना बेचारी बुआ जी को भी सुनना पड़ गया। ये देखिए, दाना दाना जोड़ कर रखा था ना आपने, सबको एक समान रखा था, ताकि हर कोई मिलजुल कर एकजुट होकर रहे। अब दाना दाना अलग अलग हो रहा है, बिल्कुल आपके परिवार की तरह बिखर गया। जैसे हमारी बर्बादी के आपने मजे लिए थे, अब हम मजे लेंगे आपके, और आपके परिवार को बर्बाद होता देंगे। जैसे हमारी बर्बादी के आपने मजे लिए, अब हम मजे लेंगे आपके, और आपके परिवार को बर्बाद होता देख। नहीं, कीर्ति की बात को कभी सच नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए, अपने परिवार को मैं कभी भी बिखरने नहीं दूंगी। मिलके सब कुछ ठीक करेंगे, और
इस बात को अभय भी समझेंगे। मुझे समझाने आई हो ना कि मुझे मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तो तुम अपना भी समय बर्बाद कर रही हो, मेरा भी। हद करती है मम्मी भी, इतना गुस्सा और डर किस बात का है? अभय, आप एक बार अपने आप को मम्मी जी की जगह पर रख के देखिए। आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है, और अचानक से अगर आप उनके सामने बदल जाएंगे तो उन्हें इस बात का बुरा तो लगेगा ना। श्रद्धा, मम्मी कोई बच्ची नहीं है जो उनको समझ में। एक उम्र के बाद सभी बड़े बच्चे ही बन जाते हैं अभय, और हमें उनकी सारी बात बहुत शांति से सुननी और समझनी चाहिए। कितनी बार आपने देखा है कि जब भी आप मम्मी जी के सामने मेरा साथ देते थे तो मम्मी जी कितना गुस्सा करती थी, और अब सोचिए आप उनके सामने दिव्यानी माँ का साथ देंगे तो उनके लिए सच को अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। आपकी खुशी के लिए मम्मी जी इस हालात को भी समझेगी, बस अब ऐसे वक्त में मम्मी जी जो कुछ भी कहें उसका उल्टा जवाब मत दीजिए, समझे आप? अब बस आप ये सोचिए कि मम्मी जी का जन्मदिन है, उनके लिए हम क्या खास तैयारी करें। यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम, इतनी समझदार कैसे हो? अब इतने समय तक किसी के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत समझ तो मुझमें भी आई गई है ना। तो कौन है तुम्हारे गुरुजी जिन्होंने तुम्हें इतनी सीख दी? कोई दक्षिणा नहीं दोगी उन्हें? मम्मी जी, चिंता मत करिए, इस गुरु को गुरु दक्षिणा भी मिल जाएगी। अरे पर तुम जा कहाँ रही हो? मम्मी जी की अब तक की सबसे बढ़िया जन्मदिन की तैयारी करनी। नहीं, हमारे जन्मदिन की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं मनाना इस बार। भाभी, आप इस घर की बड़ी हैं, वैसे भी कई दिनों से परिवार के लोगों का मन खट्टा हो रखा है, आपके जन्मदिन के बहाने ही सही सबका मुंह ही मीठा हो जाएगा, इसमें क्या बुराई है? एक काम करिए रितु, आप ना पूरे मोहल्ले में लड्डू और पेड़े बंटवा दीजिए, और सबको ये खबर भी दे दीजिए कि हमारे बेटे बहू अब हमसे पराये हो गए। फिर मुंह उठा के चले आई हमारे दर पे मिर्च लगाने के लिए, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? जाओ अपनी नई सास के पैर पड़ो। तुम मेरे लिए, आप ही मेरी मम्मी जी हैं, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इस वक्त मुझे सिर्फ मेरी मम्मी जी से ही बात करनी है। क्यों, अब देवयानी के साथ तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए नहीं बचा है क्या? बोरियत हो गई है तुम्हें? आपकी तकलीफ समझती हूँ मम्मी जी। अगर तुम समझती ना तो हमारी मर्जी के खिलाफ तुम उस दूसरी औरत को इस घर में नहीं ले आती। अरे तुम्हें क्या पता कि उसने हमारे साथ इस घर के साथ क्या क्या किया था। सही कह रही हैं आप, मैं नहीं जानती हूँ कि अतीत में क्या हुआ, मगर मम्मी जी ये भी तो सच है ना कि देवयानी आंटी ने अभय को जन्म दिया है, वो भी तो एक माँ है। यही भोली भाली बातें करके उसने तुम्हें फंसा लिया, और अब वो हमारे बेटे के कान भरेगी और हमारे ही घर में हमारी जगह ले लेगी, हम जानते हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है मम्मी जी, मैं खुद आपकी जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी। आप अपने बेटे और बहू पे थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। वैसे आपको पता है आपके जन्मदिन के लिए आपके बेटे ने पहले से ही सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी है, जैसे वो हर साल करते हैं। क्या उसे याद है, उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं? हे भगवान, नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो हमसे? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। पर वो देवयानी, आप चाहती हैं ना मम्मी जी आपके जन्मदिन पर देवयानी आंटी शामिल नहीं है, तो फिर मैं आपसे वादा करती हूँ आपके इस जन्मदिन पर आपके साथ आपका बेटा और सिर्फ आपका परिवार ही होगा। माता,
अरे बुआ जी मेरी बात तो सुनो आप, मम्मी को मंदिर में बिजी रखना और जब तक मैं फोन ना करूँ ना घर वापस मत लेकर आना उन्हें। हाँ ठीक है। अरे यार ऊपर चढ़ गया, रिबन तो लाया ही नहीं। आरती ये रिबन देना टेबल से। क्या हुआ रिबन देना? आरती किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? अब तो वो देवयानी आंटी के बेटे हो ना, तो क्या मेरे भैया नहीं हो? बच्चन वाली मार खानी है तुझे? अरे गुड्डू मैं तनुजा त्रिपाठी का बेटा हूँ, जैसे तू उनकी बेटी है। कुछ भी सोचती है, चल जा आराम कर अंदर। वो मैं बाजार जा रही थी, मम्मी के लिए तोहफा लेना है ना जन्मदिन का। हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना। मम्मी जी के जन्मदिन के लिए बिल्कुल रंग बिरंगी रंगोली बनाऊंगी। ये क्या किया आपने अभय? रंगों में रंगी मेरी रंग बिरंगी श्रद्धा की बात ही कुछ और है। अभय कम से कम हॉल में तो मत शुरू हो जाइए ना, कल यहाँ पे किसी ने देख लिया तो देख ले, मेरी बीवी हो तुम, कोई कुछ बोल के तो बताए। देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, सौ जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही ऐसे हुए हैं तेरे। हमारी जिंदगी बेरंग कर दी और आप खुद प्यार के रंग में डूब के खुशियां मना रही हैं दीदी। भगवान करे मेरे बेटे और बहू को किसी की बुरी नजर ना लगे। कितनी किस्मत वाली हूं मैं, मुझे अभी जैसा बेटा मिला। और श्रद्धा कितनी भाग्यशाली, उसे इतना साथ देने वाला, इतना प्यार करने वाला पति मिला। एक सुहागन की मांग का सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र सबसे कीमती गहना होता है। औरत की सबसे बड़ी इज्जत होती है, पर ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। कीर्ति बेटा जिंदगी बहुत लंबी होती है और तुम ऐसे अकेले बेसहारा बेरंग कैसे अपनी जिंदगी काटोगी? हमसे ऐसे बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आ रही आपको? इसे क्या हुआ?
कुछ नहीं बेटा, वो तो बेचारी अकेलेपन में चिड़चिड़ापन ना आ ही जाता है। श्रद्धा बेटा, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ, मैं बस चेंज करके आती हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हॉस्पिटल पर आज क्यों? वो मैंने मम्मी जी से वादा किया है कि आज के दिन मैं देवयानी आंटी को उनके जन्मदिन में शामिल नहीं करूंगी। श्रद्धा, ये बेकार का नाटक क्यों और कब तक चलेगा ये सब? अभय आके कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पहला कदम उठाना जरूरी है, तभी तो हम मम्मी जी का भरोसा जीत पाएंगे ना। आप इन सब की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मम्मी जी के जन्मदिन पे उन्हें बस आपका साथ चाहिए। सबसे ज्यादा वो आप ही के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती है, इसलिए आप बाकी सारी बातें छोड़िए और सिर्फ मम्मी जी के जन्मदिन की चिंता कीजिए। आंटी आप यहीं बैठिए, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। बेटा तुम मेरे लिए कब तक करती रहोगी? मेरी वजह से तुम्हें तनुजा से उसके जन्मदिन के जश्न से दूर रहना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी, घर पे अभय है मम्मी जी के साथ और पूरा परिवार भी तो है। जिस तरह से मम्मी जी का जन्मदिन जरूरी है, वैसे ही आपकी देखभाल भी जरूरी है। दाना दाना अलग अलग हो रहा है, बिल्कुल आपके परिवार की तरह बिखर गया। जैसे हमारी बर्बादी के आपने मजे लिए थे, अब हम मजे लेंगे आपके और आपके परिवार को बर्बाद होता देख। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। ये दीदू का खास तोहफा आपके लिए आया है। ये तोहफा आपके लिए, जन्मदिन मुबारक। नहीं, आज हमारे जन्मदिन पर इतना बददल मजाक किया है तुमने। हम तुम्हारे इस धोखे को ना जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं श्रद्धा।